गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीयर इंटरनेशनल स्कूल। देखिए, हम लोग 14 चैप्टर कर रहे थे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर 14.3 के हमारे तीन क्वेश्चन सिलेबस में रहे हैं इस बार, ठीक है। और जो 14.4 है बेटा, वो एक्सरसाइज है, इस बार के लिए आपके सेशन से सिलेबस से रिमूव हो गई है, ठीक। बट ये जो एक्सरसाइज है आई थिंक इंपॉर्टेंट है, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए इसके बिल्कुल जनरल जो क्वेश्चन हैं वो करा देते हैं, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अच्छी बात है, पढ़ावा कभी खराब नहीं जाता। लेकिन बात ये है कि जो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए वो थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है, उसका अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक। पहले से फॉर्मूलेज की बात करेंगे, तो जो मीन है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीडियन क्या होता है, अगर हमारे पास एन इवन है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी है, इवन, तो मीडियन क्या होगा, एन बाई टू एच टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन एच टर्म डिवाइड बाय टू, ठीक। और अगर एन क्या है, ओड, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, ओड है, तो मीडियन क्या होगा, एन प्लस वन बाय टू एच टर्म, ठीक। अच्छा, और मीडियन के अंदर आपको बिल्कुल एक चीज ध्यान रखनी है, टू अरेंज द डेटा, जो हमारे पास डेटा गिवन है उसको आप अरेंज करोगे आइदर इन असेंडिंग आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन्स वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, मोड, ठीक। अब देखो, जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक, सिंपल क्वेश्चन से आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि सिलेबस में ये है नहीं है सच, ठीक। बस इसलिए कराया जा रहा है कि नॉलेज आपको होनी चाहिए 9th क्लास में हो, कि मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। सपोज करो हमारे पास ये डाटा गिवन है 2, 3, 5, 1, ठीक। ये डाटा हमारे पास है, आपसे पूछा गया है फाइंड ऑल 8 सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करो। सबसे पहली बात तो सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती है, देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि कोई भी डाटा है उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू को ही हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, 3 मेथड्स हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो अब बोला गया है कि इस वाले डाटा के लिए आप जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मीन, ठीक, बिल्कुल अपने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो जो हमारे पास डाटा है उनका सम, डाटा क्या है, 2 + 3 + 5 + 1, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 है, डिवाइड बाय 4, क्लियर। अब ये कितना हो गया हमारे पास, 11/4, ठीक है, 11/4 आया है यहाँ से। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये नियर अबाउट 2.7 कुछ आएगा, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। बस यही आप लोगों को करना है, ठीक। ऐसे ही देखो, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द मीडियन, अब मीडियन के लिए यहाँ स्टार लगा के आपको एक बात बताई गई है, अरेंज द डाटा, जो डाटा है सबसे पहले उसको आप अरेंज करो आइदर इन असेंडिंग आइदर इन डिसेंडिंग। पहले अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3 और फिर आ गया ये 5, ठीक। तो अब हमने क्या देखा, एक अब मीडियन के लिए दो केस है, एन देखो इवन है या ऑड है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है, इवन है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, ये वाला अप्लाई होएगा, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, एन इज इक्वल्स टू 4, ठीक। तो किसके इक्वल है, एन बाई टू, मतलब 4/2 ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस में एन बाई टू मतलब 4/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2, इसी के इक्वल है, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास कैंसिल, 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, सेकंड टर्म, इस डाटा में सेकंड टर्म क्या है, 2 है, कितना आ गया, 2 प्लस, ये कितना बनेगा, 2+1 मतलब थर्ड टर्म कौन सी है, 1, 2, 3, थर्ड टर्म 3 है, प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, ये रहेगा, ये कितना हो गया हमारे पास, 5/2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2.5, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो, मीडियन आ गया ये, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखो, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, डेटा गिवन है 2, 2, 5, 4, 1, ठीक, इसकी हमें सारी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आती है, मीन,
मेन किसके इक्वल है, अपना फॉर्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, तो कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 2 + 2 + 5 + 4 + 1 यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, इतना क्लियर हुआ। अभी कितना हो गया हमारे पास, 2 + 2 = 4, 4 + 4 हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास 14 डिवाइड बाय 5, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आ गया, 2.8 आ गया मीन हमारे पास, ठीक। अब आपसे कहते हैं फाइंड द मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन के लिए सबसे पहला काम अरेंज द डाटा, जो डाटा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर उसके बाद 2, 2 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखोगे 2, 2 फिर 4 फिर 5, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब मीडियन में दो केस है कि या तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है ऑड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी हो गई, ऑड हो गई, ठीक। तो मीडियन किसके इक्वल है, n प्लस 1th बाय 2th टर्म, मतलब कि 5 + 1 / 2th टर्म इसी के इक्वल होगा। आप फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखोगे, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैंने दोबारा नहीं लिखा, आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 / 2th टर्म, मतलब कि ये कितना आ गया हमारे पास, 3rd टर्म आ गई, ठीक। अब यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, 3rd टर्म कितना है 2, तो मीडियम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, मॉड, मॉड बिल्कुल सिंपल, वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, या फिर हम कह सकते हैं वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा हो, तो कौन सा नंबर ज़्यादा बढ़ा रहा है, 2, तो मॉड कितना हो गया हमारे पास, 2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, बस इतना ही आपके पेपर में आ सकता है, इससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है, फॉर दिस सेशन ऑन।